हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन हब आई होप आप अपने रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे आज मैं आपके लिए रीट एग्जाम का 2017 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इंग्लिश सेशन आपके लिए लेके आई हूँ लैंग्वेज फर्स्ट ये हम पेपर वन के लिए कर रहे हैं सो so, पेपर वन का आपका जो इंग्लिश का 2017 में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आज हम सॉल्व करेंगे और इस पूरी ही जो आप पूरा एग्जाम पेपर है आपका ये मैंने पूरी पीडीएफ इसकी मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा वहाँ पर क्लिक कीजिए आप मेरे डायरेक्ट चैनल पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर Why डिड शी राइट द लेटर Why डिड शी रॉड द लेटर Why डिड शी written द लेटर एंड why? हैड शी रॉड द लेटर सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाई डिड शी राइट द लेटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली द करेक्ट पेसिव फॉर्म ऑफ द सन्टेंस विल भी इंग्लिश इज बिंग स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली एंड इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोविंग कंटेन्स दर्ड बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड शिकागो चोर्स चेरिसमा चाइना क्रॉम चेक चेन सो यहाँ पे हमें प्रनाउंसिएशन से ही पता चल रहा है सो राइट आंसर इज हर डी ऑप्शन चेक चेन ओके थर्टी फोर क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोविंग कंटेन्स द सेम वर्वल साउंड हुक ब्रुक लुक सो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता सेकेंड है कैट बैट मैट हाँ जी इसकी वोवल साउंड हमारी मैच हो रही है यहाँ पे ये यह हमारा हो सकता है सी ऑप्शन है विन वी सी एंड डी ऑप्शन इज लेड लेक ब्रेक सो हमें यहाँ पे आसानी से पता चल रहा है वोवल साउंड किसकी मैच हो रही है कैट बैट और मैट की ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फोनिक सिम्बल्स फॉर द अंडर लाइन साउंड ऑफ द वर्ड बॉय सो यहाँ पर हमारा राइट right आंसर क्या हो जाएगा थर्टी फिफ्थ का ए हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं विच इज़ द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग लिसिंग स्पीकिंग राइटिंग सो यहाँ पर आपको याद रखना है जो एल पहले हमारा एल आता है फिर आता है हमारा एस फिर आता है आर फिर डब्ल्यू ठीक है तो यहाँ पे आप देखिए इस सीरीज में आपका कौन सा मैच हो रहा है एल से हमारा बन गया लिसनिंग ठीक है एस से स्पीकिंग ये भी ठीक है आर से रीडिंग एंड डब्ल्यू से राइटिंग सो so, हमारा फर्स्ट का क्या आंसर आएगा ए ऑप्शन आ जाएगा हमारा थर्टी सिक्स का पर्टिकुलर कॉज फॉर ए पर्टिकुलर क्लास द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रिटेंस द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन ठीक है नेक्स्ट है आपका विच इज़ द क्लासिकल मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश डायरेक्ट मैथड द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड बाईलिंग मैथड ऑडियो लिंगुअल मैथड सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस यहाँ पे बी ऑप्शन द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड नेक्स्ट है यहाँ पे हु डेवलप्ड बायोलिंग मैथड बाइलिंग मैथड किसने डेवलप किया था डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर सी जे डॉटसन प्रोफेसर ए एस हॉर् हॉर्नबे प्रोफेसर जोस्परसन ठीक है सो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन प्रोफेसर सी जे डॉटसन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच अप्रोच डज द टीचर इंट्रोड्यूस द न्यू वर्ड इंसिडेंटली इन द क्लास ए ऑप्शन है स्ट्रक्चरल अप्रोच बी ऑप्शन मल्टीलिंगुअल अप्रोच सिचुएशनल अप्रोच एंड डी ऑप्शन इज मल्टीमीडिया मीडिया अप्रोच तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी सिचुएशनल अप्रोच नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग एट एलिमेंट्री लेवल डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द वर्ड्स टेकिंग नोट्स या फिर इनिशियटिंग कॉन्वर्सेशन सो राइट आंसर इज आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल बिकॉज ये एलिमेंट्री लेवल पे है आपका तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू लुक फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी रीडिंग स्केमिंग ऑरल रीडिंग स्कैनिंग सो आपका राइट right आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा स्कैनिंग ठीक है नेक्स्ट है विच इज़ लुक एंड सेम मैथड ऑफ रीडिंग द अल्फाबेटिक मेथड द फोनिक मेथड द वर्ड मेथड द सेंटेंस मेथड तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी द वर्ड मेथड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश द हैज़ द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग ए फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन फॉर द होल क्लास एंड कैन बी यूज फॉर ए वायटी ऑफ परपज पिक्चर चार्ट फिल्म स्ट्रिप्स ब्लैक बोर्ड स्लाइड्स तो यहाँ पे आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ब्लैक बोर्ड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए कैरेक्टरस्टिक ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक एडिकुएट सब्जेक्ट मैटर सुटेबल स्ट्रक्चर सुटेबल वोकेबलरी डी ऑप्शन है फ्रिकुएंटली मिसपेल्ड वर्ड सिंपल सा दिख रहा है एक अच्छी बुक में क्या नहीं होना चाहिए तो होगा हमारा फ्लुएंटली मिसपेल्ड वर्ड उसमें नहीं होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टूडेंट्स लर्निंग रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड रीडिंग टेस्ट कंप्रीहशन टेस्ट लिसनिंग टेस्ट एंड राइटिंग टेस्ट सो फोर्टी सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका सी लिस्निंग टेस्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टेस्ट कैन बी स्कोर्ड क्विकली एंड कंसिस्टें ऑब्जेक्टिव प्रोडक्टिव सब्जेक्टिव प्राइमरी सो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन ऑब्जेक्टिव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्टी फाइव फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन एन इवेंट फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट एंड ट्रेड शॉप टॉयज फेयर मेरी गो राउंड आपका राइट right आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा फेयर ठीक है इसके बाद आपको पहरा दिया हुआ है जो आपने रीड करना है उसके बाद आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ये पहरा आप खुद पढ़ लेना मैं पढ़ने लगूंगी तो आपका खाम खा वक्त ज़ाया होगा ठीक है सो so, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर्स करवा देती हूँ इनके द वर्ड सिकल एंड विकल आर सिकल एंड विकल वर्ड आपने बताना है यहाँ पर क्या है जो आपके यहाँ पर ऑप्शन है वो है एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन और फिर प्रोनाउन राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी नाउन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पुलिस बीट अप नाना भाई सेवरली द वर्ब बीट अप इज़ बीट अप यहाँ पे हमने बतानी है वर्ब की कौन सी फॉर्म है ठीक है सिंपल प्रेजेंट है सिंपल पास्ट है पास्ट परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कौन सा आपने यहाँ बताना है टेंस यहाँ पे यूज किया गया है सो so आपका राइट right आंसर हो जाएगा बी सिंपल पास्ट टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है द शी रीस्ड हर टीचर एंड कट द रोप विद वन स्ट्रोक ऑफ द सिकल द वर्ब कट इज़ इन सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर पास्ट परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा आपका बी सिंपल पास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द थ्री डिग्री ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एडजेक्टिवस इन देयर करेक्ट फॉर्म एंग्री एंगर एंगियस्ट एंग्री मोर एंग्री मोस्ट एंग्री एंग्री मोर एंगरली मोर मोस्ट एंगरली एंगर एंग्रियर एंग्रीएस्ट आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा यहाँ पे फिर भी मैं बता देती हूँ ए इसका राइट आंसर होगा एंग्री एग्रियर एंग्रीएस्ट ठीक है ई e आर लगना है सेकेंड फॉर्म में ई एस टी लग जाएगा थर्ड फॉर्म में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ए डटरमिनर इन इट द पुलिस दैन बीटअप टुक हिम अवे ही फॉल अनकॉन्शियस तो राइट right आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए द पुलिस ठीक है ये थे आपके सिक्सटी इंग्लिश के क्वेश्चन ठीक है आगे मैं इसका बाकी पार्ट्स भी जल्द ही ले आऊँगी और इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग